अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ अ प्रोडक्ट रिव्यू। लाइक डेढ़ दो साल पुरानी बात है, आई वांटेड टू स्विच माय आई क्रीम टू अनदर ब्रांड। तो क्योंकि मैं एक ही ब्रांड बॉडी शॉप काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही थी, तो आई वेंट टू कराची डॉलमन मॉल एंड वहाँ सेंसेशन पे एक आपने सेंसेशन अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स से हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के, और वहाँ पर उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। सो आई जस्ट आस्क द लेडी कि मुझे जो है ना, आई वांट टू चेंज माय आई क्रीम, आई वांट टू यूज़ समथिंग वेरी गुड। सो शी टुक मी टू, वो मुझे एक काउंटर पे लेकर गई। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एंड द ब्रांड नेम इज़ हर्बलाइन एसेंशियल्स ट्रूली नेचुरल स्किन केयर। ये इस ब्रांड का नाम है, हर्बलाइन एसेंशियल्स। ये मैंने कभी नहीं सुना था, बट आई टोल्ड हर कि मैंने तो ये नहीं सुना इसके बारे में। शी सेड नहीं, इट्स अ न्यू ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड है और बहुत अच्छी, और आप इसकी बॉटल देख सकते हैं कि इट्स वेरी ब्यूटिफुल, यानी कि इसकी लुक बड़ी प्यारी है। खैर वहाँ पर जितनी भी इसकी बॉटल्स थी, कंडीशनर्स थे, पता नहीं फेस टोनर्स थे, बहुत कुछ था, एंड सब इसी तरह की पैकेजिंग में था, लाइक ग्लास टाइप की बीच में और सिल्वर, और इसमें ये पंप लगा हुआ। खैर आई बॉट दिस, इसका नाम है एलोवेरा एंड हनी अंडर आई जेल नरिशिंग एंड टाइटनिंग फॉर ऑल स्किन टाइप। आई बॉट इट, मुझे ये अच्छी तरह याद है, वरना मुझे प्राइसेस याद नहीं होती, कि इट वॉज 2500 रुपीज़। एंड मैंने उससे पूछा कि ये एक अननोन ब्रांड है, 2500 रुपीज़ इज अलॉट। शी सेड नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड है, आप यूज़ करें, यू लव इट एंड दिस एंड दैट, यू नो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हेन आई केम होम आई स्टार्टेड यूजिंग दिस आई जेल। बिलीव मी इट इज लाइक अ जेल, बट मैं जब भी अपनी आंखों के नीचे लगाती थी, मेरी आंखों के नीचे, मुझे ना ऐसे लगता था जैसे मेरी आंखों के नीचे सारा मॉइस्चर गायब हो गया। इतनी ड्राइनेस फील होती थी कि मैं जब आंखें खोलती थी तो मुझे फील होता था जैसे मेरी आंखें ना बहुत मुश्किल से खुल रही हैं, क्योंकि नीचे से सारा मॉइस्चर ख़त्म है। देखें, अगर कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो वो आपकी अगर स्किन की ड्राइनेस, आपको स्किन को इतना ड्राई कर देगा और सारा मॉइस्चर ही ख़त्म कर देगा, तो आपकी स्किन के पे तो लाइन पहले ही पड़ जाएंगी, ना कि वो ख़त्म करें। सो ऑल स्किन टाइप लिखा है, बहुत तारीफें लिखी हैं, एलोवेरा एंड हनी एंड दिस एंड दैट, बट बिलीव मी इट इज़ नॉट वर्थ बाइंग, नो नॉट वर्थ बाइंग। प्लीज़ अगर आप जाएं और आपको ये वाला मिले, डोंट गो फॉर इट। मैंने लिया है एंड आई हैव सफर्ड, लाइक आई मैन, किसी, वो आपको होता है ना कि इससे तो बेहतर मैं किसी को पैसे दे देती, ना कि मैं इतनी थर्ड क्लास किस्म की ब्रांड ले आई। सॉरी, इट्स नॉट अ गुड ब्रांड, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये आपकी अंडर आई को इतना ड्राई कर देता है कि आपको, यानी कि मॉइस्चर तो करता ही नहीं है, मॉइस्चराइजिंग इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपकी स्किन को मॉइस्चर करे, आपकी स्किन को इतना ड्राई कर देता है कि आपको जो लाइन नहीं भी बननी थी वो बन जाएंगी। सो एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे बड़ी हैरत हुई है इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये तो फिर मैंने हार्डली एक हफ्ता यूज़ की, इसके बाद मैंने छोड़ दी, इतना था। एंड यू नो इसका पंप है, ये एवेपरेट हो गई है, ये आई हैव नॉट यूज्ड इट एट ऑल। ये देख रहे इसका ये प्रोडक्ट इधर लग लग के ना खुद ही ड्राई हुआ हुआ है और इट एवेपरेटेड। आई डोंट नो ये लोग किस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जस्ट टू डिच द कस्टमर्स, के अगर आप यूज़ ना भी कर रहे हो तो वो, अब देखिए बहुत से, जैसे मैं आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बंद होता है, उसमें से नहीं निकलता कुछ भी, वो वैसी का वैसा होता है। इसमें आप इमेजिन करें कि खुद ही अवेपरेट हुआ है, एंड यानी इसमें से पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, बट फॉर्मूला क्या है आई डोंट नो, बट इट अवेपरेटेड। ये आज मैं अपनी कबर्ड को क्लीन अप कर रही थी, सो देन आई सॉ एंड आई वाज लाइक आई शुड गिव रिव्यू। ये एक सदका जारी है कि अगर आप कभी जाएं और आपको वो बोलें कि प्लीज़ हर्बलाइन का एसेंशियल्स ट्रूली नेचुरल स्किन केयर आप ले लें इसकी रेंज, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है, यू कॉन्ट बिलीव इट। लाइक एक हफ्ते के बाद मुझे फील हो रहा था, यार मैंने क्या ले लिया है,
एंड मैंने फिर वापस तो नहीं किया. ऑफ कोर्स आप एक होता है कि यू डोंट गो एंड इट्स अ कर्टसी, आप क्या जाके बोलोगे क्या वापस करें इसे. तो लेकिन मैंने जब मैं गई थी तो मैंने उस गर्ल को बोला, मैंने कहा द थिंग यू गेव मी इट वाज नॉट गुड. वो बेचारी खुद भी शर्मिंदा हो रही थी एंड शी सेड कि हमें खुद भी इतना नहीं पता, तो वो हमें बताते हैं तो हम वही चीज़ें बताते रहते हैं, क्योंकि उनको तो शायद इसके कुछ कुछ होगा, उनकी पे वगैरह में इंक्रीज होता होगा, बट इंक्रीमेंट लगता होगा. बट द थिंग इज़ मैं बिलीव मी, आपको कहीं पर भी ये ब्रांड नज़र आए डोंट गो फॉर इट, इट्स नॉट अ गुड ब्रांड, आपके पैसे ज़ाए होंगे. क्योंकि ये आई क्रीम से तो बेहतर था मैं कोई और ले लेती. नाउ आई एम यूजिंग वन द बॉडी शॉप, बट वो आप यकीन करेंगे मेरी आंखों के नीचे बिल्कुल बहुत अच्छा उसको मॉइस्चर करता. देखिए आपको मॉइस्चराइज ही करनी होती है ना स्किन को, ताकि वो फिर और उसमें अलग ये तो लगाते ही ड्राई जेल, और पता है लगाते ही गायब हो जाता था. इसमें एवेपोरेट होने की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की खसूसियात डाली उन्होंने कि आप अपनी आंख पे लगाओ, एक तो प्रोडक्ट एवेपोरेट और आपके जिस जो अंडर आई जो है ना मॉइस्चर उसको भी एवेपोरेट कर देता था. सो आई डोंट नो द फॉर्मूला, जोक्स अपार्ट, बट प्लीज डोंट गो फॉर इट, इट्स अ बिग नो फॉर माई साइट. आई विल, मैं तो खैर एक हफ्ता यूज़ करने के बाद इसे छोड़ देता. आई डोंट नो कैसे किसने यूज़ कर लिया मेरे घर में, तो यू नो आई एम लिविंग इन अ नॉर्मल हाउस, वहाँ पर कोई जन्नात भी नहीं है कि वो इसे यूज़ करें. आई डोंट थिंक सो दे विल बी यूजिंग इट, बट जोक्स अपार्ट डोंट गो फॉर इट. अगर आपको कोई भी बोले कि इट्स अ गुड ब्रांड, डोंट गो फॉर इट, इट्स नॉट अ गुड ब्रांड, इट्स नॉट एट ऑल गुड थिंग. सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर. एंड आप लोग कभी भी इस ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो टू दिस ब्रांड. तो सी यू, अगर लाइक वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.